बेटा प्रशांत बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा काम भी कर लेता है। मम्मी प्लीज, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है अभी, आप मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दोगे प्लीज? पहले ये छोड़ो, एक बार मिल तो लो। मम्मी प्लीज, कह दिया ना नहीं करनी शादी मुझे अभी। ये देखो पूरा चेहरा ऐसे फाड़ दिया। चेहरे पे सर पंजे का निशान जैसा लगता है। हाँ, और सचिन इसकी मौत ये जो गले की नस है ना उसकी कटने की वजह से हुई है। एक बात बताइए, क्या आप में से किसी ने ये सब होते हुए देखा? सर एक राक्षस था, राक्षस, भयानक राक्षस, चाल ढाल में तो वो इंसान जैसा था लेकिन इतना दरिद्रा था। बताओ दिखता कैसे था? सर वो ना आम इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था सर। सर उसकी हाइट ना 7-8 फीट होगी सर, और सर उसने ना गोल्डन कलर का मास्क लगाया था सर। बड़े बड़े पैर, बड़े बड़े हाथ सर, बहुत डरावना था सर। सर वो इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि चाहता तो एक पल में सब कुछ खत्म कर देता। सीधी बात है, सोचो जरा, अगर वो इतना खतरनाक था, इतना दरिंदा था तो तुम सबको मार देता ना, सिर्फ एक ही आदमी को, क्यों उसे ही क्यों? समझ में नहीं आता वो यहाँ पर आया किस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ जमा हो चुकी है, सीआईडी ऑफिसर्स आ चुके हैं और मामले की तफ्तीश जारी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस इलाके में एक खूंखार जानवर आ चुका है जिसने बड़ी ही बेरहमी। स्विच ऑफ कीजिए मैम, आप शूटिंग रोक दीजिए। ऐसे कैसे मैम, हम लोगों को हम शहर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी देना हमारा काम है।
लोगों को डराने की कोशिश कर रही हैं आप? हम डरा नहीं रहे हैं, ये हमारा काम है कि लोगों को बताएं और अलर्ट करें कि उनके शहर में हो क्या रहा है आखिरकार। हम है ना इस केस में देखने के लिए। लेकिन आप सुनिए तो, आप लोग प्लीज आइए। बात तो सुनिए, चलिए चलिए चलिए, प्लीज प्लीज चलिए। देखिए ये सब कुछ बकवास है, ये एक साजिश है लोगों को बेवकूफ बनाने की। सर आपको क्या लगता है कि हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं? देखिए ऐसा तो नहीं काम है। सर मेरे पास इसका सबूत भी है। सबूत है? हाँ साहब। तुम्हारे पास कैसा सबूत बताओ। ये देखो साहब, मैंने चुपके से उसकी वीडियो बना ली थी। जैसे ही वो मेरी तरफ आया मैं भाग गया। सर क्या नाम है तुम्हारा? राघव। देखो राघव, ये तुम्हारा सेल फोन सबूत के तौर पर हमारे पास रखेंगे, ठीक है? ठीक है, मेरे पास दूसरा भी है। सचिन ये मास्क, ये गाउन, इसके बारे में हाल ही में मैंने सुना था, किसी राजा और उसके बॉडीगार्ड के कंकाल मिले थे ना, उसके बारे में। सर सिटी म्यूजियम में आज इसकी प्रदर्शनी होने वाली है। सिटी म्यूजियम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजा विश्व सिम्हा 17 सेंचुरी के बहुत ही फेमस और पावरफुल राजा थे, जिन्होंने अपनी वीरता के बल पर उस जमाने के बहुत से राज्यों को जीता और उन्हें अपने कब्जे में लिया। मगर उनके मरने के बाद उनके शव को इतने गोपनीय तरीके से दफनाया गया था, सैकड़ों सालों तक खोज हुई पर उनके शव का कोई पता नहीं लग पाया था। लेकिन गर्व की बात यह है कि हमारी टीम ने काफी मेहनत और लगन के बाद राजा विश्व सिम्हा के ताबूत को ढूंढ निकाला है। लेकिन राजा के दुष्ट बॉडीगार्ड की लाश का क्या हुआ? खबर है कि उसका भी ताबूत का पता चल गया है? हाँ, उसे भी जरूरी जांच के बाद प्रदर्शित किया जाएगा। अब मैं आप लोगों का और समय न लेते हुए उस महान राजा विश्व सिम्हा के अवशेषों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जाइए, आ जाओ। हाँ सर, आप लोगों से रोकिए सर, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। कौन मार देगा सबको बताओ सूरज, कौन मार देगा? हमें कवर को नहीं खोलना चाहिए था सर, कवर को खोलकर एक हैवान को आजाद कर दिया और वो हमारे लिए ही खतरा बन गया सर। है कौन वो? है सर, हम लोग उस दिन गुफा में गए थे ना सर। आइए सर। लगता है ये वही बॉक्स है जिसकी हमें तलाश थी। क्या सर आपको पूरा यकीन है ये वही बॉक्स है? ये वही बॉक्स है। इसके ऊपर की निशानियां देख रहे हो, जैसा ऐतिहासिक प्रमाणों में बताए गए थे बिल्कुल वैसे ही। तो क्या सर इसको खोल के देख सकते हैं? बिल्कुल खोल के देख सकते। नहीं नहीं सर, इसे खोल लो मत सर, ये राजा साहब की लाश है,
और यहाँ पर किसी खास मकसद के लिए छिपा कर रखी गई होगी। अगर इसे खोलेंगे तो कुछ अपशकुन हो सकता है। कुछ नहीं होगा, बेकार की बातें, सिर्फ सिर्फ अफवाहें हैं। खोलते हैं इसे। नहीं सर, इसका खुलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सर। एक मिनट, ये बॉक्स कैसा है? एक काम करो। यस सर। ये बॉक्सेस को इसे बाहर ट्रक में लोड करो फटाफट। अरे आओ मेरी मदद करो, उठाओ, यहां आइए सर। ये चलो जल्दी आइए सर। देखिए एक और ताबूत मिला है वहां से। देखिए सर, इधर आइए। कितना बड़ा ताबूत है ये। किसका ताबूत हो सकता है ये? मुझे लगता है राजा विश्व सिम्हा के अंगरक्षक का है, क्योंकि वह हमेशा राजा के साथ रहता था। खोलो। नहीं, मैं कहता हूं उनसे मत खोलो। उन्हें कुछ भी खतरा हो सकता है। कुछ नहीं होगा, बेकार की बात है। खोलो से। ये क्या हो रहा है? कार निकलो यहाँ से। कोई नहीं बचोगे। आज वो यहाँ पर आया था सर, उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सूरज बताओ आगे क्या हुआ, बताओ। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। क्या हुआ आगे बताओ। सूरज तो मर गया सर। क्या मर गया? ये कैसे हो सकता है? ये अचानक कैसे मर गया? अभी तो ठीक ठाक था। अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फोरेंसिक लैब ले चलो इसे। ले गया वो, ले गया। क्या हुआ? राजा विश्व सिम्हा के कंकाल को कोई ले गया। मतलब वो राजा साहब का कंकाल चुराने के लिए आया था दरिंदा? अरे लेकिन कोई कंकाल ले जाके करेगा क्या? ऐसा कहा जाता है कि राजा के पास एक नीले रंग का डायमंड था, और वो दरिंदा ही राजा का बॉडीगार्ड है, जो नीले रंग के हीरे से ही वो मरे हुए राजा को जिंदा कर देगा। क्या ये सब किससे कहानियां हैं समझे तुम? इस तरह की अफवाहें उड़ा के कोई खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। देखो ये एक्सकवेशन के वक्त जो आर्कियोलॉजी की टीम थी उनका हेड कौन है? हाँ वो है, बुला उसे जरा। मैं भी उसे बहुत देर से फोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अजीब बात है सर, जिस राजा के अवशेष को ढूंढने के लिए उसने इतनी मेहनत की, इतने सारे साल लगाए, आज जब एग्जीबिशन का टाइम आया तो गायब है। वही तो, ये कुछ अलग ही चक्कर है अभिजीत। कहाँ रहता है वो? सर पहले तो वो इंजीनियरिंग काली रोड पर बसेरा कॉलोनी में 942 नंबर घर में रहता था। बसेरा कॉलोनी रूम नंबर 942। अभिजीत वहीं पर तो वो आदमी रहता था जिस पर दरिंदे ने हमला किया और फिर मार डाला। उस गुफा में जाकर पता लगाना होगा ये सारा चक्कर है क्या। कहा जाता है कि राजा विश्व सिम्हा को जब दफनाया गया तो उनके साथ बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात भी दफनाए गए। मुझे लगता है कि वो हीरे जवाहरात इसी बॉक्स में। सर ये बॉक्स खुलेगा कैसे सर? तो पूरा सील बंद है। विनय ये बॉक्स खुलेगा और जरूर खुलेगा इस चाबी से। ये चाबी आपके पास कहां से आई सर? इस चाबी को मैंने कई सालों पहले एक पुराना सामान जमा करने वाले बेवकूफ से हथियाया था। मान गए सर, आपको मान गए। अब इस चाबी से मैं इस बॉक्स को खोलूंगा। सर ये देखिए इस बॉक्स पर कुछ लिखा हुआ है, शायद हिदायत दी गई है सर, ध्यान से देखिए। जानता हूं, एक मिनट। ये किताब
राजा विश्व सिम्हा के अलावा अगर कोई दूसरा खोलने की कोशिश करेगा तो उस पर कहर बरसेगा। सर ये चेतावनी है, इस बॉक्स को खोलने का मतलब जोखिम का काम है सर, इसे मत खोलिए सर। कुछ नहीं होगा, हमारे पास ये चाबी है और ये चाबी हम दोनों को अमीर बना सकती है। और वैसे भी हम इस बक्से के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, इस चाबी से ही ताला खोलेंगे। ये तो उन मजदूरों की लाशें हैं जो राजा के ताबूत की तलाशी के दौरान अभय के साथ थे और भूकंप आने पर इस गुफा में दब गए थे। अच्छा, सर ये निशान देखिए। सर ऐसे निशान तो राजा विश्वसिम्हा के फॉलोवर्स के शरीर पर होते हैं। एक बात नोटिस की, ये चारों लाशें सजा के रखी हुई है एक ही तरह से। जबकि यहां पे भूकंप आया था, कौन कहां पे गिरा होगा, कहां दबा होगा, कुछ नहीं कह सकते। ऐसा लगता है किसी ने लाशों को यहां पे लाके छुपाने की कोशिश की है। सर गुफा में तो 5 मजदूर थे लेकिन लाशें तो यहां 4 हैं सर। लेकिन सूरज तो कह रहा था कि विनय, अभय और खुद सूरज सिर्फ 3 ही लोग यहां से बच के निकले थे, बाकी सब यहीं पे थे। सर मोहन नाम का मजदूर यहां नहीं है। मोहन, एक काम करिए, आप मोहन का स्केच बनवाइए, ठीक है? जल्दी से जल्दी मोहन को ढूंढना पड़ेगा, शायद तभी पता चलेगा उस मास्क वाले दरिंदे के बारे में। देखो हमें पता है तुम अंदर ही हो। विनय, अभय, उनके मोबाइल की लोकेशन तो यही बता रहे थे। जूतों के निशान, ओह माय गॉड। ये तो मर चुका है सर। माय गॉड, सर ये तो विनय, आर्कियोलॉजिस्ट अभय का असिस्टेंट। विनय, ये देखो बिल्कुल उसी तरह से इसे पाड़ा है जिस तरह से वो बसेरा कॉलोनी रूम नंबर 942 के आदमी पर हमला किया था, मतलब दरिंदा यहां पर भी आया था। सर कहीं वो जानवर फिर से तो नहीं आ गया? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, अगर यहां पर होता ना तो अब वो जिंदा नहीं बचता।
जूतों के निशान कैसे हैं? ये देखो, एक बड़े जूते का निशान और ये रहा एक छोटे जूते का निशान। सर, हो सकता है बड़ा उस दरिंदे का हो। सर हाँ, घसीटने के निशान भी है। घसीटने के निशान भी है। ये मोबाइल किसका है? सर, ये तो अभय का मोबाइल फोन है। अभय का ही है। इसका मतलब है वो दोनों ही घसीट कर ले गए हैं अभय को। एक तो था वो दरिंदा और दूसरा वो छोटे जूते वाला जिसने उस दरिंदे का साथ दिया है, वो कौन है? मैंने कहा था ना कि ताबूत के साथ छेड़छाड़ मत करना, वरना खतरा हो सकता है। और अब तुम खतरे में हो। तुम यहां कैसे? तो मेरे मालिक ने मेरी जान बख्श दी और मुझे अपनी सेवा में रख लिया है। तुम पागल हो गए हो क्या? चाहिए तुम मुझे अगवा क्यों किया तुमने? ये चाबी हमें मिल गई, कुछ और जानना है तुमसे। चाबी? ये सूरज के फेफड़ों का एक्सरे देखो। हाँ, यहां पर ये एक व्हाइट पैच दिखाई दे रहा है, सफेद रंग। हाँ, इसका मतलब ये है बॉस कि सूरज ऑक्सीजन के साथ साथ कोई जहरीली चीज अंदर खींच रहा था। अच्छा, क्या? तो स्कैनिंग के दौरान जब सूरज के लंग्स में ये व्हाइट स्पॉट दिखा, तब हमने ब्लड टेस्ट किए जिसमें टॉक्सिन्स के कुछ ट्रेसेस मिले। टॉक्सिन? कैसा टॉक्सिन? रेबोलॉक्सिन नाम का टॉक्सिन था बॉस। सर, मतलब इस टॉक्सिन की वजह से सूरज की मौत हुई है? नहीं नहीं, ये टॉक्सिन इतना खतरनाक नहीं है कि किसी की जान जा सके। ये टॉक्सिन सिर्फ किसी को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर सकता है, क्लोरोफॉर्म की तरह से। यार सालुंखे, अगर सूरज रिबोलॉक्सिन से नहीं मरा तो फिर किस वजह से मरा? बॉस, इसके मरने की वजह ये है कि सूरज कुछ ऐसी दवाइयां ले रहा था जिन्होंने इस टॉक्सिन के साथ रिएक्ट किया, उसकी वजह से इसकी ब्लड वेसल्स, खून की नलिकाएं फट गई, इसे स्ट्रोक आया और इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। सर, हमने हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की, जितने भी लोग म्यूजियम में थे सभी के फेफड़ों में ये टॉक्सिन्स के ट्रेसेस मिले। बड़ी अजीब बात है सर, सभी लोगों को टॉक्सिन का असर एक ही साथ हुआ। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सबके फेफड़ों में टॉक्सिन है। इसका मतलब साफ है किसी ना किसी तरह से ये रिबोलॉक्सिन टॉक्सिन म्यूजियम में छोड़ा गया था गैस फॉर्म में। अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये रिबोलॉक्सिन टॉक्सिन कैसे छोड़ा गया था उस म्यूजियम में, कैसे छोड़ा गया था। बहुत बड़ी खबर है ये। राजा विश्वसिम्हा की लाश गायब हो गई है और लोग रहस्यमय तरीके से मर रहे हैं। कुछ तो बात है जो सीआईडी हमसे छुपा रही है। अरे हाँ हाँ भाई, पता है मुझे। काश काश वो जो रघु ने वीडियो बनाया था ना, अगर वो मुझे मिल जाता ना तो हम अपने चैनल पे चलाते प्राइम टाइम पे, बॉस तो खुशी हो जाता। चल ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। Oh, my God.
मालिक को तुम्हारी जरूरत है, और अगर ठीक तुमने वैसा ही किया जैसा हम चाहते हैं तो तुम जिंदा बच सकती हो, वरना काम खत्म। सर, सारे इसी चेक कर लिए सर, किसी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। सर आखिर हुआ क्या है? गौतम, हुआ ये है कि यहां पर तुम्हारे एग्जीबिशन में जितने भी लोग बेहोश हुए थे वो एग्जैक्टली गैस की वजह से हुए थे। यहाँ गैस कैसे आ सकती है? सभी खिड़कियां दरवाजे तो बंद थे, और उस दरिंदे के अलावा बिना बुलाए मेहमान यहाँ कोई भी नहीं था। उसके आने से पहले तो सब ठीक था सर। नहीं गौतम, जरा याद करके बताओ, उस दरिंदे के आने से पहले या तुरंत बाद यहाँ पर कुछ तो हुआ था यहाँ, याद करो। याद आया सर, कुछ देर के लिए फायर अलार्म बजा था बस। फायर अलार्म? अच्छा, ये चक्कर है। सर, अंदर पानी वाला पाइप काट दिया गया, उसमें टेप लगा दिया है। उसके बगल में एक छोटा सा पाइप है, शायद गैस वहीं से रिलीज हुई है। शायद नहीं अभिजीत, पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया गया है। लेकिन हमें ना तो सर किसी गैस की कोई गंध आई और ना ही गैस जैसा कुछ दिखा। उस गैस को ना कोई रंग है ना कोई गंध है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, म्यूजियम कितनी टाइट सिक्योरिटी है उसके बावजूद कोई आदमी स्प्रिंकलर्स के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकता? या आपके गेस्ट के अलावा कोई बाहर का आदमी आया था? हाँ, दो लोग आए थे जब हम इसकी तैयारियों में व्यस्त थे। कौन आए थे, किस लिए आए? सर वो एसी मेंटेनेंस करने वाले आए थे। पहले क्यों नहीं बताया? अभिजीत, एसी मेंटेनेंस वाले वही लोग हैं, एसी मेंटेनेंस वाले हैं। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझसे कहा कि मैं ऐसा बर्ताव करूं कि वो मेरा साथी लगे। अच्छा, तो मान गया। उसके पास पिस्तौल थी और उसने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। नाम पूछा था उसका? नहीं। कैसा दिखता, कैसा था ये? साहब वो पतला दुबला था और हाँ, वो 6 फीट लंबा था। उसने कुर्ता और पैंट पहना हुआ था। ये मोहन ही है, हमारा शक सही निकला। उस दरिंदे के साथ मोहन मिला हुआ है, उसके लिए काम कर रहा है। इस आदमी के बारे में कुछ और बता सकते हो? काम खत्म होने के बाद उसने मुझे पैसे दिए और वो किसी से फोन पे कह रहा था कि बैंक में मिलो। बैंक? और फिर वो सफेद कार में चला गया। कौन सी कार? कुछ नंबर नंबर याद है उसका? सर GTX कार थी, सफेद रंग की, और उसका नंबर था MH31BB7217 था साहब। साहब बस, सब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, बस इतना ही याद है साहब। याददाश्त तो बहुत अच्छी है तेरी, हैं? जरा पता करो ये गाड़ी कहाँ है, सारे पुलिस स्टेशन और टोल नाका पे पता करो। साहब मुझे चल, चल। अब मैडम को अपने पापा के लॉकर से कुछ निकालना है, क्या आपका यहां पर रहना जरूरी है? थैंक यू। ये मेरे पापा की कीमती धरोहरों में से एक है, उन्होंने इसे एक नीलामी में खरीदा था। तुम्हारे पिताजी को इस चीज की असली कीमत पता ही नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि इस पे क्या रहस्य छुपा है।
यही यही मालिक खुश हो जाएंगे। देखो तुम जिस चीज के लिए सब कर रहे थे वो अब तुम्हें मिल चुका है। हम मैं चाह रही। अरे इतनी जल्दी भी क्या? हाँ। पहले मुझे यहां से बाहर निकालो। हाँ? और सुन कोई होशियारी मत करना वरना इस सामान के साथ साथ ना तुम्हारी भी जान जाएगी। समझे? चुप चुप आराम से। हाँ बी कूल आराम से चलो। सर यहाँ तो दो तीन बैंक है। कौन से बैंक में गए होंगे वो लोग? चल चुपचाप बैठ। क्या चाहिए तुमको? जो तुमको चाहिए था सब मिल चुका है तुम्हें। छोड़ मुझे। बिल्कुल भी चिल्लाओ मत। चल अंदर जाके बैठ। चल इवोरा। ए गाड़ी 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 जल्दी। किधर गया? जाना नहीं चाहिए सचिन। चुप चुपचाप बैठी रहे। गाड़ी लड़ जाएगी। रुको। क्या करी? गाड़ी लड़ जाएगी। गाड़ी गाड़ी लड़ जाएगी। खत्म। सब बेहोश है। हॉस्पिटल ले जाओ इसको जल्दी जल्दी। हेलो एक व्हाइट कलर की जीटीएस कार आरपी रोड पे गई है। वो कार है उसका ड्राइवर बच के जाना नहीं चाहिए जल्दी। नताशा मोहन और दरिंदा क्या चाहते थे तुमसे? सब मेरे पापा को पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करने का शौक था। उन्हीं में से एक सबसे पुराना मेडालियन था। मोहन ने मुझे जान की धमकी देकर वो मेडालियन मुझसे छीन लिया। लेकिन वो मेडालियन के पीछे क्यों लगा हुआ था? सब मोहन को उस मेडालियन में एक छुपा हुआ कागज का टुकड़ा मिला जिसे देख के वो काफी एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया, खुशी से चिल्लाने लगा, अरे यही है वो, यही है वो। क्या लिखा था उस कागज के टुकड़े पर? वो कोई मैप था। मैप? कैसा मैप? जयंती एक कागज और पेंसिल दो इसे, हमें उतार कर दिखा वो मैप। सब मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। नताशा जितना भी याद आता है उतना दिखाओ हमें। ये लो बनाओ जल्दी। याद करो ज्यादा था। सब इतना ही याद है। कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। थैंक यू। सर यहाँ पे बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां हैं, ऐसा लग रहा है कोई जंगल का एरिया है। जयवंती ये जंगल ही है। और सर ये तो नदी है। ये किला
किला और ये कब्रिस्तान। सर, जिस गुफा में राजा का ताबूत मिला था उसके पास में एक पुराना किला है और वहां से नदी भी बहती है, और तो और ये कब्रिस्तान भी है। सचिन, मोहन और वो दरिंदा किसी इलाके में है किसी खास चीज की तलाश में, वहीं पर ढूंढना होगा इन दोनों को, वहीं पर। अरे, 3 कब्र खोद चुके, और कितने कब्र खोदने पड़ेंगे उसे पाने के लिए? अगर ये सारी कब्र खोदना पड़ेगा ना, तब भी खोदेंगे। मालिक, मालिक मिल गया, मालिक, मालिक मिल गया। मालिक, अब इस हीरे से हम राजा साहब को फिर से जिंदा कर सकते हैं। राजा साहब तो बाद में जिंदा होंगे, जब तुम लोग बचोगे। मालिक, इन सबको खत्म कर दीजिए मालिक। पहले देखे तो तुम्हारा मालिक कौन है जो इस मुखट्टे और इस चौंके से कभी बाहर नहीं निकलता। रुक जाओ, वरना ये ऑफिसर मारी जाएगी। आया ना, तुम तो तुम हो इस खेल के पीछे। हाँ, फेंक दो सब अपनी गन्स, वरना मैं इसका सर उड़ा दूंगी। नहीं सर, आप लोग इसकी बातों में मत आइएगा। जल्दी। नहीं नहीं, जल्दी करो।
हट। धनिंदा बन के खेल रहा था तू ये खेल लोगों के साथ हा? क्यों खेल नहीं थी ये खूनी खेल हा? हम राजा विश्व सिम्हा के असली वंशज हैं। राजा की सारी संपत्ति और इस हीरे पर सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए था। और जब अभय ने राजा के ताबूत का पता लगा लिया तो तुम्हें लगा कि तुम राजा की दौलत और ये हीरा दोनों पा सकती हो हा? हाँ, मैंने इस राणा को दौलत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था, लेकिन ये बेवकूफ मोहन गुफा में जिंदा बच गया और राणा ने इसे अपने साथ मिला लिया। तो तुमने राणा की मदद से म्यूजियम से राजा का कंकाल चोरी करवा लिया ताकि लोगों को लगे कि राजा का बॉडीगार्ड फिर से जिंदा हो गया। इस जगह का नक्शा जहाँ पर हीरा छुपाया गया था इन लोगों ने उसे पाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। फिर मैंने राणा के जरिए अभय को उठवा लिया। उसने हमें बताया था कि उसके पास राजा की बन संपत्ति की चाबी है और उससे हमें वो चाबी भी मिल गई थी। अभय कहाँ है? काम खत्म होने के बाद मैंने उसे भी मरवा दिया था। उस इंजीनियरिंग रोड वाले आदमी को क्यों मरवाया तुमने? उसे नहीं मरवाना था, मरवाना तो अभय को था, लेकिन वो उस वक्त अभय के घर पर था इसलिए बेचारा वो मारा गया। लालच में चार चार खून करवाए तुमने, म्यूजियम में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया, लोगों में झूठी दहशत फैलाई और तुम्हारे इस जुर्म में साथ दिया राणा और मोहन ने। तुम तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, शायद फांसी भी हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।